नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर दिन औसतन 92 महिलाओं का रेप होता है। कभी किसी महिला को बंधक बनाकर तो कभी महिलाओं के साथ कार्यालय में ही अपने सहकर्मियों द्वारा दिन दहाड़े रेप कर दिया जाता है। लेकिन भोपाल से रेप का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। भोपाल में चलती ट्रेन के अंदर से रेप का मामला सामने आया है। यह मामला यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में देखने को मिला। इस वारदात को दिल्ली की रहने वाली 21 साल की लड़की के साथ अंजाम दिया गया है। पीड़िता के अनुसार घटना पेंट्री कार में हुई। उसने भोपाल GRP को बताया कि पेंट्री कार मैनेजर ने शुक्रवार रात उसके साथ गलत काम किया। तब करीब 10 बजे होंगे। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में क्या कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैं 21 साल की हूँ, पुरानी दिल्ली में रहती हूँ। 9 फरवरी को दिल्ली से मुंबई गई थी। वहाँ लोग बोले मुंबई अच्छा नहीं है, यहाँ लड़कियों को बेच देते हैं, तुम वापस चली जाओ। लोगों के कहने पर शुक्रवार दोपहर 12 बजे मुंबई से दिल्ली आने के लिए ट्रेन पकड़ी। इस ट्रेन में भीड़ थी, इसलिए भुसावल स्टेशन पर उतर गई। यहाँ से शाम 6 बजे निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के AC कोच में बैठ गई। मैं फर्श पर ही कंबल बिछाकर सो गई। रात करीब 8 बजे मोटा लंबा सा आदमी आया, वह नीली शर्ट पहने हुआ था। उसने मुझे उठाया, बोला यहाँ क्यों सो रही हो, जनरल डिब्बे में सीट खाली है, जाकर सो जाओ। वह मुझे जबरन जनरल बोगी की तरफ ले जाने लगा। कैंटीन वाले डिब्बे के पास जाकर बोला कि यहीं गेट के पास सो जाओ। मैं उसके कहने पर गेट के पास सो गई। थोड़ी देर बाद वही आदमी वापस आया, मुझे उठाकर कैंटीन वाले डिब्बे यानी पेंट्री कार में ले गया। मेरे साथ उसने गलत काम किया। मैं चिल्लाई तो मुझे 3-4 चांटे मारे, धमकी दी कि किसी को बताया तो ट्रेन से धक्का देकर मार डालूंगा। मैं रोती हुई अपना सामान उठाकर दूसरे डिब्बे में चली गई। उस वक्त रात के 10 बज रहे होंगे। मुझे ट्रेन में 2 लोग मिले, उन्हें मैंने घटना के बारे में बताया। ट्रेन भोपाल आने के बाद उन्हीं 2 लोगों के साथ थाने पहुंची। ये था वो बयान जिसमें पीड़िता ने अपनी आप बीती या पूरे घटनाक्रम को बताया। अब आपको भोपाल रेलवे स्टेशन के डिप्टी मैनेजर अनिल शर्मा द्वारा दिए गए बयान के बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में मैसेज आया। हम अटेंड करने पहुंचे तो ट्रेन की पेंट्री कार कोच के अंदर से बंद थी। कर्मी खोल नहीं रहे थे, कोच खुलवाकर सभी को हिरासत में ले लिया गया है। 15 से 20 लोगों को रात में ही हिरासत में लिया गया, लेकिन इनमें से कुछ यात्री थे जो टिकट लेकर पेंट्री कार में बैठे हुए थे। इस मामले में ऑन ड्यूटी स्क्वाड पर भी सवाल उठ रहे हैं। GRP ASP प्रतिमा S. मैथ्यू ने बताया कि पीड़िता के साथ पेंट्री कार के स्टोर रूम में रेप हुआ। घटना की विवेचना जारी है, घटना का कोई चश्मदीद अभी तक नहीं मिला है। गौरतलब है कि भारत में हर दिन हो रहे रेप पर लगाम लगाने में तो सरकार असक्षम है, लेकिन यही सरकार आए दिन महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर बड़ी बड़ी बातें भी करती रहती है। और अब भारत सरकार के ही कर्मचारी खुलेआम रेप कर रहे हैं और सरकार हर बार की तरह आंख मूंदे खड़ी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पे आरोपियों को क्या सजा दी जाती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।